दुबई में 10 नौजवानों की रिहाई के लिए पंजाब सरकार 2 कैबिनेट मंत्रियों की टीम भेजेगी दुबई। फीस वृद्धि पर प्राइवेट स्कूलों पर नकेल के लिए अथॉरिटी का गठन, पंजाब कैबिनेट के अहम फैसले। आज बठिंडा एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल। दिल्ली से आने वाली पहली फ्लाइट से आएंगे उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू। लोक इंसाफ पार्टी के नेता बैंस ब्रदर्स की लुधियाना में आज पहली रैली। रैली में अपने 5 उम्मीदवारों के नामों का कर सकते हैं ऐलान। लुधियाना के आत्मनगर हल्के से सिमरजीत बैंस तो लुधियाना साउथ से बलविंदर सिंह बैंस लड़ सकते हैं चुनाव। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी। आज सोलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की कार्यकर्ता रैली। हरियाणा सरकार की विकास रैलियों का सिलसिला जारी। आज हिसार के उकलाना हलके में रैली को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कर सकते हैं करोड़ों की घोषणाएं। जींद में भी कई योजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का किडनी सफल ट्रांसप्लांट ऑपरेशन। आईसीयू में किया गया शिफ्ट। एम्स के मुताबिक सुषमा और उन्हें किडनी दान देने वाला डोनर दोनों स्वस्थ। और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का कल हुआ समापन। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी शरीक हुए।